ज्ञानवापी की तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने एएसआई को 5 एक्सपर्ट की टीम बनाने को कहा। 6 हफ्ते में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपनी होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने आदेश की कॉपी के साथ लिखा है, मध्य प्रदेश में भोजनशाला धार के एएसआई सर्वेक्षण के लिए मेरे अनुरोध का इंदौर उच्च न्यायालय को अनुमति दे दी है। धार भोजशाला में हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसका नाम राजा भोज पर रखा गया था। धार की भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वांग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। इसके अवशेष प्रसिद्ध मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में भी देखे जा सकते हैं। ये मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है, जबकि देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। दोनों पक्षों को इसके लिए निशुल्क प्रवेश है। बाकी के दिनों में 1 रुपये का टिकट लगता है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजन हवन करने की अनुमति है। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि GRP GPS तरीके से इस वैज्ञानिक सर्वेक्षण को कराया जाए। GPR का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है। इसमें रडार का उपयोग होता है। ये छुपी वस्तुओं संरचनाओं को सही तरीके से माप लेता है। इसी तरह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS के तहत भी सर्वे किया जाएगा।